Marriage or education? Parents of teenage daughters are often faced with this question. Many parents decide in favor of education, but still there are many more who decide in favor of marriage. It is quite possible that you are faced with the same question. The issue is how to decide. Well, let us help you with that. But for that, we need to go to Vihari, some 550 kilometers away from here. This is a tale of two girls who have more or less similar socioeconomic background and have faced similar difficulties in their lives. Let's hear from them. हम लोग छह बहन भाई हैं और छह में मैं सबसे बड़ी हूँ। मम्मी की तो शुरू से यही याद थी कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करें और स्कूल जाएं। हालांकि फैमिली में सब ने इस बात की मुखालफत की कि आप लोग ना पढ़ाओ अपनी बेटियों को। तकरीबन अपने ददियाल में तो और ननिहाल में दोनों में पहली लड़की थी जिसने मैट्रिक किया। रेगुलर एफ ए किया मैंने, उसके बाद मैंने एफ ए रिज़ल्ट मेरा बाद में आया और पहले मेरे घर वालों ने देख के रिश्ता आया, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। कमाने वाला नहीं था कोई, इतने हम बहन भाई थे यानी कि अब्बू से कमाया नहीं जाता था। मैंने कहा भी अब्बू आपका बूढ़ा है भी आपकी शादी कर दे, मैंने कहा कर दो, तो फिर अम्मी अब्बू ने शादी कर दी थी। मैं थी बीमार, मुझे दिल का अटैक हुआ था। मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये जवान है, मैं बीमार हो गई या मुझे कुछ हो गया ज़्यादा तो फिर इस बच्ची को कौन देखेगा, तो मैंने इसलिए इनकी शादी कर दी थी। सी देयर इज़ वन क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू गर्ल्स। Shagufta's parents preferred education over marriage, while Saira's parents preferred marriage over education. Anyhow, both the girls got married. Let's hear from them what happened next. तो ऐसे वो घर में मेरा एक जेठ था जिसकी शादी नहीं की, तो वो कहते थे उसे बस उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन वैसे वो सारा कुछ उसे पता था, अच्छे बुरे की हर एक की तमीज़ थी। लेकिन वो आस्ता आस्ता उसने मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया कि बस बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। शादी के बाद लड़ाई में झगड़े में ऐसे वैसे गुजरते रहे दिन, फिर रोज़ झगड़ा होने लग गया और मेरे मियाँ ने मुझे मारा और मार के तो मुझे छोड़ के घर से धके निकाल मार के निकाल दिया ना कि चले जाओ तुम तो हम तुम्हें नहीं रखना चाहते। बाद में ना कोई चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करवाना, वो अगर करवाना है तो अम्मी अबू मेरे ही करवाएं और कोई मेडिसिन लेनी है तो वो कर इन्होंने लेके दी। फिर ये लोग मुझे ले आए डिलीवरी के लिए, तो पीछे से पता चला ससुराल में से बातें निकली कि अगर बेटी हुई तो हम छोड़ देंगे तो हमने रखना नहीं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो सबके पास पहले बेटे ही हैं। वो कह रहा था कि मेरी दूसरी शादी भी है, मैंने अपनी बीवी लेके आनी है। मैंने कहा फिर क्या ले आ, तो अपनी बीवी मैं भी रह लूँगी इधर साथ में, मुझे क्या है, मुझे तो घर चाहिए, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ। उसने कहा नहीं इधर घर में आपकी जगह नहीं है, झुग्गी में चली जाओ, उधर से मांग के खा ले, अपनी अम्मी से लेके खा ले। ये भी खबर जब ससुराल भेजी गई कि आपके पोता हुआ है सुन के खुश हुए, लेकिन मियाँ मेरे 8 दिन तक पता करने ना आए। यानी नौकरी भी थी उसकी, काम भी करता था, काम पे जाता था, लेके आता तो पैसे मुझे पैसे नहीं देता था। वो कहता था मैंने ना आगे की छोड़ना ना पीछे की छोड़ना, ना तलाक देता था ना घर में लेके जाता था। फिर हमने अदालतों में उनके सपना लगाया था, फिर हमने कहा भी तलाक दे दे, मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास आ गई थी। फिर कुछ अरसा के बाद फिर केस दायर कर दिया उन्होंने कि ये ज़बरदस्ती हमारे घर से गई है और पैसे भी चोरी करके लेके गई है ना साथ, आई थिंक में हमें 30,000 रुपये उन्होंने लिखवाया था उस वक्त के। फिर इन्होंने भी वकील से बात की तो वकील ने फिर हमारी तरफ से खुला का केस दायर कर दिया। सो फार बोथ द स्टोरीज आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। Both the girls got married, both marriages did not work, and both the girls got divorced. But the similarities end at this point. Let's hear from them how the two girls are coping with the post-divorce situation. फिर अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बीच फिर मुझे मेरा ऑपरेशन हो गया था, फिर घर में ये चौपे लगा लिया, बीज लगा लिया, मैंने कहा अपना बच्चा मैं पाल लूँगी, अपना कोई काम मिल जाता, काम वगैरह कर लेते, अपना घर में कोई यानी कि बच्चा अपना पाल लेती, घर बहन भाइयों को संभाल लेते। अम्मी तो बाहर जाने के लायक नहीं ना है, अम्मी के पाँव नहीं, हम बाहर नहीं जा सकती, कभी कभी चली भी जाती है जब ज़्यादा मजबूरी होती है, हम चले भी जाती है, अम्मी को साथ ले जाते हैं। अब्बू से बात की, मम्मी से बात की कि मैं ना आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो कहते हो ठीक है,
इन्होंने हमें घर में ट्यूटर रख के दिया और मैंने सिर्फ 3 महीने में तैयारी करके तो प्राइवेट बी ए का इम्तिहान दिया ना। तो उसके बाद तकरीबन साल के बाद मेरी फिर गवर्नमेंट जॉब हो गई इधर एजुकेशन फील्ड में ना। शुक्र है अल्लाह का कि अब हम लोग इस मकाम पे पहुंच गए। अपने अम्मी अब्बू की वजह से सिर्फ यही था कि उन्होंने हमें तालीम दिलवाई और हम लोग जो है, अगर शायद मेरी जल्दी एज में शादी हुई होती, मैं नाम तालीम याफ्ता होती तो आज किसी घरों में बर्तन साफ़ कर रही होती। ये हालात देख के फिर मैंने दूसरियाँ बच्चियाँ पढ़ाना पिया। अज अपने पैरों पर खड़ी हैं माशाल्लाह, अपने अपने घर है, एक रहेगी बस ओरी शादी कर देनी, वो भी माशाल्लाह एमए किया उसने। फिर ये बेहतर होता अगर पढ़ी लिखी होती, कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, कोई फिर अपने घर का कारोबार चलाते। अगर नहीं पढ़ी तो अब ऐसे जलील हो रही है। ये दुख काम नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख है। ये एक घर में बेटी बैठी है, दो और बैठी हैं, सब कुछ मैंने इस बेटी के पीछे बर्बाद कर दिया, दुख तो है ना। As parents, we can't always be there to protect our daughters, but we can do one thing for sure: equip them with good quality education. Marriage or education, the choice is yours. Decide very carefully.